उद्यान पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय इनकलाबी नेता रामचंद्र राम जी के 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी पार्टी की ओर से हृदय से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं आज मंच में बैठे हुए आपके लोकप्रिय नेता और इस रामचंद्र राम जी के चिराग और इस राज्य के प्रति और भविष्य में राज्य के लिए भविष्य के नेता के रूप में मैं आपके सिमरिया के लोकप्रिय भविष्य को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इनकी माता को, इनके परिवार के सारे सदस्यों को भी अपनी ओर से नमन करते हैं। मैं अपने साथ इस क्षेत्र के प्रभारी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मंच में आदरणीय केंद्रीय पदाधिकारीगण, इस जिले के जिला अध्यक्ष और नवगठित जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, महिला जिला अध्यक्ष और सम्मानित जितने भी पदाधिकारी मंच में हैं और उससे ज्यादा हजारों की तादाद में आए हुए सिमरिया विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र से जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अभिभावक, नौजवान साथी, महिला दीदी, प्रेस मीडिया के मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन सबको जोहार करते हैं। ये लगभग 2 साल के बाद या उससे भी ज्यादा समय बीतने के बाद मुझे अपने परिवार से मिलने का अवसर मिला है। मैंने पहले भी कहा था कि सिमरिया का अच्छू और अच्छू पार्टी मैं पार्टी के रूप में नहीं देखता, मैं परिवार के रूप में देखता हूं। तो अपने परिवार से मिलने का मौका मिला और अपने परिवार को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। पता नहीं चुनाव परिणाम के बाद आप में निराशा होगी, क्योंकि बीच के कोविड काल के कारण ऐसी भयावह स्थिति जिससे लगातार 2 साल तक एक दूसरे से सामूहिक संबंध में हम लोग शामिल नहीं हो पाए, न जाने अपने कितने भाई और परिवार को खोना पड़ा है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति भी हृदय से श्रद्धा अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन अवस्था में उनके साथ देव, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। आज मैं कह रहा था कि शायद मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे परिवार में निराशा होगी कि जो माहौल सिमरिया का था वो माहौल के अनुरूप परिणाम हमारे पक्ष पे नहीं आया। गांव की सरकार का आह्वान, गांव के लोगों को समग्र रूप से जोड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो गई, ऐसा सोच आपका, ऐसा ही सोचते हैं ना, ऐसे सोच रहे हैं ना? मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूं कि 50,000 से ज्यादा लोग सिमरिया विधानसभा के गांव की सरकार का आह्वान का नेतृत्व करने के लिए सामने आए। हमने एक गांव की सरकार का एक विचारधारा को दिया, हमने एक नई विचारधारा, नई सोच को लेकर आपके सामने आए और पूरा सिमरिया गोलबंद हुआ। नेतृत्व का अवसर किस कारण से कहां चला गया,
ये बैठकर संवाद करना उनका काम है, हमारा काम इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व में हमेशा सामने खड़ा रहना, ये हमारे परिवार का काम है, हमारा दायित्व है। हम मेंबर इसलिए बनना चाहते थे कि आपके साथ खड़े होकर आपके विषयों का नेतृत्व विधानसभा के माध्यम से आपके चूल्हे तक पहुंचाने की तैयारी हमारी थी। 2 साल पार हो गए, जो विश्वास हम लोगों ने तैयार किया था, जो बात के संवाद में आपके साथ हमारे संवाद में जो घनिष्ठता थी और जो संबंध बने थे, उस संबंध एक प्रतिनिधि जीतने से बड़ा। चूंकि हमारा दायित्व न केवल सिमरिया पूरा प्रदेश का है, और मैं आपके माध्यम से 50,000 लोगों को जिन्होंने हमारी आवाज के साथ सिमरिया के इस लाल को अपना साथ दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देने का काम करते हैं। आइए, एक राजनीतिक दल का काम खत्म नहीं होता है, हम इलेक्शन टू इलेक्शन चलने वाले पार्टी नहीं। हम जानते हैं एक प्रदेश के राजनेता होने के नाते हमारा दायित्व तो क्या है। ये लगातार जो बहुमत के साथ जो सरकार आई है, जी सरकार का ताजपोशी हुआ है, वो राजनीति में एक कारण नहीं होता है, कभी कभी एक कारण से वोट नहीं होता है। जो सरकार वर्तमान में ये 2 साल पार कर रहे हैं, एक भी विषय, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं कोई विषय गवर्नमेंट को थोपूंगा नहीं, मैं ऐसे कोई सवाल आपको नहीं करूंगा जो सवाल शायद मेरे पार्टी के प्राथमिकता में हो, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जिसे आपने अपनी पार्टी और गठबंधन में प्राथमिकता पर रखा था। मेरा प्रश्न वहीं पर रहेगा कि आपने इस बहुमत के पीछे जो वायदे किए थे, उस वायदे पे आप कितना कदम चल पाए, ये प्रश्न रहेगा। और उसी को बल देने के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त होकर पार्टी को तैयार करने के लिए पिछला पूरा वर्ष हम लोग ने निर्माण वर्ष रखा था, और इस वर्ष को हम लोग ने संघर्ष वर्ष घोषित किया है। निर्माण वर्ष की कुछ औपचारिकताएं जिसे पूरा करेंगे, और तैयारी हमारी है कि इस प्रदेश का छोटा से छोटा आंदोलन में भी, चाहे किसी कोना में लड़ा जा रहा हो, आजसू पार्टी उसके साथ जाकर खड़ा होगा और उसके आंदोलन में शरीक होगा और आंदोलन को खड़ा करेगा। इसलिए अंतरिम तैयारी करनी, पूरे प्रदेश भर में 1,00,000 सक्रिय कार्यकर्ता पदे न पदाधिकारी तैयार करने का लक्ष्य हमने रखा, और साधारण सदस्य 10,00,000 बनाने का रखा कि 1,00,000 पूरे प्रदेश के प्रहरी के रूप में काम करेंगे। विपक्ष की भूमिका बड़ी होती है, ज्वलंत विषय पर खड़ा होकर विपक्ष के रूप में, जनभावना के रूप में सत्ता को चुनौती देना शायद आजसू का आज सबसे बड़ा दायित्व तो बना हुआ है, मेरी पार्टी का सबसे बड़ा दायित्व तो बना हुआ है। आज आप हालात तो देखो, ये 2 साल तक उनकी पोथी का, उनके निश्चय का एक भी पन्ना ना पलटा है, लेकिन हो क्या रहा है इस प्रदेश में? तब 2.5 साल बोलेंगे दादा हुआ क्या। तो प्रथम 2 वर्ष तो आपने सोचा ना होगा, इतने ट्रांसफर पोस्टिंग आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा जितना ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रदेश में हो गया। हो रहा है कि नहीं, हुआ कि नहीं? ट्रांसफर पोस्टिंग अगर प्रशासनिक दृष्टि से हो तो समझ में आता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग झोला की दृष्टि से हुआ है। हुआ है कि नहीं बताइए? जिसका जितना वजन रहेगा वैसे ही जगह मिलेगा, हर पद का बोली लगा है, यहां पर डाक हुआ है। आपको पता कि दरोगा, डीएसपी, एसपी, सेक्रेटरी, इंजीनियर, ये सारे पदों की बोली लगी है प्रदेश में। 2 साल तक ये बोली चला। आप अपना कोई भी इच्छा रखिए,
और उसका रेट तय करिए गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही। दो साल गवर्नमेंट इसी काम में मशगूल रही। अगला काम क्या पकड़ा, दूसरा निश्चय इनका क्या है, दूसरा निश्चय रहा कि झारखंड के खान संपदाओं का सोर्स झारखंड प्रदेश का कोषांग नहीं बनेगा, कोख सीधे इनके कोषांग में जाने की तैयारी हो। आपने सुना होगा गुरुजी को, इनके अध्यक्ष जी को, 1970 से आज भी कहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष खड़ा होकर अगर स्पीच देंगे तो उनके पूरे भाषण के सार में एक ही विषय मिलेगा कि झारखंड को बाहरी लोग लूट लिया, यहां का कोयला, यहां का लोहा, यहां का ईंट, हर चीज यही बोलते थे कि लूट लिया। सुना है आपने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष जी को? सुना ना, सुने है ना? कौन कौन सुने है बताओ थोड़ा, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं? मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा थी इनको सुनो, मैं एक बार मोटरसाइकिल से चला गया, आखिर ये व्यक्ति बोलते क्या है, तो मैंने इसको सुना और उसके बाद भी जितनी बार इनको सुना तो एक बार भी ऐसा नहीं जो ये भाषा से अलग कोई बात बोले। मैंने 70 से लेकर आज भी कहीं पर दिलाइएगा तो ही बात बोले, इससे ज्यादा वो कभी बोले नहीं। तो आज हम इसको देखते हैं, आज इस विषय को अगर हम उलट के देखते हैं कि भाई अध्यक्ष जी ऐसा क्यों बोलते थे, तो अब पता चला कि अध्यक्ष जी शायद इसी शासन का इंतजार कर रहे थे कि यहां का कोयला, लोहा, बालू या कोई भी खान संपदा कोई दूसरा नहीं लूट सकता है, मेरी ही सरकार लूट सकती है, दूसरा नहीं लूट सकता है, इसी का अपमान कर रहे थे। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना, अरे कोई और क्यों लूटेगा, हम तो लूट रहे हैं। तो उनका नारा का सार, उनके भाषण का सार आज के दिन में है, कहीं पर भी प्रशासन कह के नजर आता है क्या? कहीं पर कोई पद में बैठा हुआ व्यक्ति दायित्व नजर आता है क्या? आता है क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि छोटा पदाधिकारी, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, डीसी, एसपी, जितने भी लोग हैं पब्लिक को रिगार्ड करते हैं क्या? कहीं पब्लिक को रिगार्ड है क्या? पब्लिक को कहीं सम्मान है क्या? वो अपना जिस भार से आए हैं उसी भार के लिए लगे हुए हैं, जो भार उधर थमा के आए हैं उसी भार को उठाने में लगे हुए हैं कि नहीं? कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो ये लोगों को लगता है कि बेकार काम लग गया, अभी तो सड़क पर खड़ा होकर वो काम करना था, ये बेकार ड्यूटी उधर लग गया बोल के लगता है। ऐसा ही होता है ना, कोई गांव का लोग, कोई प्रशासन का लोग, कोई चीज आप जाए गांव में ऑफिस में अगर कोई मांग रहे तो बोले ये थोड़ी काम था, क्या आ रहा है उसका ना इंतजार करना था। बोले एक छोटा सा चीज हमको बता दो, आज के दिन में शासन से सिमरिया को क्या मिल रहा है? ब्लॉक में बनने वाला प्रधानमंत्री आवास 3 लाख का हो गया क्या? हाँ, 3 लाख का हो गया, 25% वही, और बिना पैसा का कोई आवास बन रहा है क्या? खाली बोल दीजिए कोई आवास बन रहा है क्या? अभी जनता दरबार लगा था, हर जगह पर जनता दरबार लगा ना हर पंचायत में, आपको ये फील हो रहा था कि सरकार का पदाधिकारी जबरदस्ती आया है, उसको आना नहीं था, जल्दी जल्दी निपटो, जो आवेदन आया ले चलो, ऐसे ही होता था ना, जल्दी लो जो कागज है कागज जमा करो। एक भी ब्लॉक, 7 ब्लॉक हमारा है, 7 ब्लॉक में लोग क्या मांग रहे थे? 7 ब्लॉक में जो भी आए वो तो ये आवास मांग रहे थे, पेंशन मांग रहे थे या राशन मांग रहे थे? कोई जवाब आया किसी को? कहीं कोई जवाब आया दीदी कि आपने आवेदन दिया उसका जवाब आया? कहां गया? क्या वो आवास बनेगा? जितना आवेदन दिए आवास बनेगा क्या? आप नहीं दे सकते तो भारत सरकार, राज्य सरकार के पुराना स्कीम का ही तो दे दो, ये नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं इनकी नहीं है। छोटे छोटे चीजों पर पब्लिक को बड़ा क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। बोले थे चूल्हा खर्चा देंगे, 2000 रुपया करके चूल्हा खर्चा आएगा,
आ रहा है क्या? 2 रुपया करके अगर बिलो प्रॉपर्टी लैंड वाला परिवार होगा तो 2000 चूल्हा खर्च जाएगा। पिछला पूरा साल पार हो गया, बोला 5 लाख नियुक्तियां करेंगे। साल पार हो गया, 5000 नियुक्ति कहीं पर नहीं। अरे हम थोड़ी बोले थे, आप ही ने कहा था उसमें कि नियुक्ति वर्ष है और नियुक्तियां हम करेंगे, कहीं एक नियुक्ति नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं दे पाए तो भत्ता देने का काम करेंगे। ग्रेजुएट को कितना था? ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को अभी मैंने क्वेश्चन किया था, परसों मेरा फ्री था, उसका जवाब ही नहीं आया। बोला बजट के दिन देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे मंत्री जी का कि बजट दिन, ये हमारे श्रम मंत्री जी जवाब देंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, मेरा राज्य का नौजवान भी इंतजार कर रहा है। पूरा राज्य में यार एक राज्य चलाना है, एक राज्य के आवाम का पूरे जीवन को कैसे हम बदल पाएंगे, विश्व स्पर्धा में कैसे अपने आप को शामिल कर पाएंगे, राज्य विकसित कैसे होगा, यहाँ के खान संपदा का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के जीवन बदलने के लिए कैसे करेंगे, कोई भी बेसिक सोच नहीं है। न बेसिक कोई बात ही लोग करते, केवल सामाजिक रूप से गठबंधन के अस्त्र को चुन के रखा है। जिन अस्त्र को इन्होंने चुना है उसके घर का बेटा भी किसी दिन खड़ा होकर प्रश्न करेगा कि मैं केवल सामाजिक रूप से नहीं हूं, मेरा आर्थिक भी विषय है, मेरा परिवार भी कब आगे बढ़ेगा, पापा हमें कब नौकरी मिलेगा, पापा कब हम व्यवसाय कर सकते हैं, मेरा घर कब बनेगा, उसका बेटा भी कल प्रश्न करेगा जो आज सामाजिक ताना बाना से केवल सरकार बनाने का काम करते हैं। सरकार बनाना उद्देश्य नहीं, ये पूरी इतनी बड़ी आबादी का भरोसा जीतना और भरोसे पर 2 कदम चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन काम करने वाला मुख्यमंत्री हमेशा याद किया जाएगा। आइए ये शासन इस व्यवस्था के खिलाफ में एक इनकलाबी सोच को एक दायित्व के रूप में लेते हुए आगे काम करने की आवश्यकता है। आज राज्य में परिचय का सवाल बड़ा है। हमने दलीय रूप से कहा, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि किसी विषय पर कोई विषय आता है, सर्वदलीय बैठक होता है कि राज्य के लोगों की पहचान क्या होगा। मेरी पार्टी पहली पार्टी है जिसने स्पष्ट रूप से लिखित रूप से एक पार्टी के रूप में अपना दस्तावेज तैयार किया, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार के पटल पर रखने का काम किया। और हम लोग कागज लेके घूमते हैं कि हम राज्य के लोगों को परिचय किस रूप से देना चाहते हैं और किस रूप से रखना चाहते हैं, हमारा बड़ा स्पष्ट है। लेकिन कुछ लोग अगर इतना बड़ा विषय है तो बाकी दल को भी तो स्पष्ट होना चाहिए। कोई दल कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं हम लोग तटस्थ रहेंगे। हमारे तटस्थ रहने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी, जो भी हो, चाहे कोई भी हो, हर दल को स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए हमारा पार्टी का प्रतिनिधि 81 विधायक में से 80 विधायक के यहां गए और उनमें कहा कि आप किसी दल से नाता रखते होंगे, लेकिन नैतिकता के रूप में इस पर क्षेत्र के आप एक नेता भी हैं और ज्वलंत विषय पर स्थानीयता नियोजन पर अपना पक्ष आपको रखना पड़ेगा। आप विधानसभा के अंदर रखो या बाहर रखो, पक्ष रखना पड़ेगा। और कोई भी दल तटस्थ नहीं हो सकता, दल को अपना राय तो देना पड़ेगा कि वो कैसा झारखंड चाहता है और झारखंड के लिए कैसा स्थानीय नीति चाहता है, कैसा नियोजन नीति चाहता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको स्पष्ट करना होगा और इसको स्पष्ट करके हमें आगे काम करना है। आइए ये चलेगा और इसके आर पार की लड़ाई के लिए अच्छू ने तय किया है। हम लोगों ने ओबीसी के लिए कहा कि भाई राज्य के लोगों को एक बड़ा वर्ग, 200 जातियां लंबे समय से अपने आबादी के अनुसार आरक्षण का मांग कर रही है। लगातार 2 साल से अलग अलग रूप से हम लोग जब इस मांग पत्र को लेके जाते हैं तो कोविड का बहाना देकर मुकदमा करने का काम करते हैं। अरे ऐसे मुकदमा चलेगा, ऐसे ही से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारी तैयारी है कि निश्चय होना है और हमारा मांग है कि 2 बार राज्य सरकार द्वारा गठित जो पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा है
उसके आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिले और इस राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जातीय जनगणना होना चाहिए प्रदेश में, ताकि सही आबादी के अनुसार लोगों के साथ गवर्नमेंट न्याय कर सके। इसके लिए जातीय जनगणना होना चाहिए। हम लोगों ने इस प्रदेश में यहां के लोगों के लिए इस तरह से 5-7 मुख्य मुद्दा है जिनको नीतिगत निर्णय जिसको सरकार को लेना है, चाहे सारना कोर्ट का हो, SC ST के मसले का हो, इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं। खाली हाथ पड़ा हुआ है रोजगार के लिए। कोई आगे एक्सचेंज होता था, जब बेरोजगार होते तो एक्सचेंज ऑफिस में जाके नाम लिखाते थे। आजकल है क्या? चतरा में एक्सचेंज ऑफिस है क्या? ताकि लोगों को पता चले कि एक्सचेंज ऑफिस में हम लोग दे दें तो गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं है ना कहीं। गवर्नमेंट बोला कि बेरोजगारों के लिए और एक बात बोल गए थे कि 25 करोड़ तक का ही ठीका यहाँ का लोग करेगा। तो हम भी बोले मनोज चंद्रा घबराना नहीं, कुछ लड़का लोग को बोलो कि अपना बेस सर्टिफिकेट बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करा ले, कुछ काम अपने घर में तो कर सकता है। हो रहा है ना? यहाँ सब ठेका पट्टा मिल रहा है यहाँ का लोगों को? हाँ मिल रहा है क्या? ये चल रहा है ऐसे। ये सामाजिक रूप से हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक रूप से चला रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ बैठे रहना है कि काम करना है? 1 लाख पदाधिकारी हमने तय किया, 1 लाख पदाधिकारी, उनका निगरानी विभाग काम नहीं करेगा तो पार्टी का निगरानी विभाग काम करेगा। और यहाँ के खान संपदा और लोगों को न्याय दिलाने के लिए गवर्नमेंट के सामने चुनौती देकर खड़ा होगा। ये तैयारी हमने का सिमरिया का काम है। 7 ब्लॉक पर आपको जाना पड़ेगा। मेरे पार्टी ने अभी तय करेंगे कि हम लोग सेवा केंद्र खोलेंगे हर ब्लॉक में। मैंने मनोज जी से कहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता वहां बैठेगा, पब्लिक का जो भी काम आएगा मेरा पार्टी का कार्यकर्ता नियम अनुसार कराने का काम करेगा। यह तैयारी हम लोग पब्लिक को सेवा देने का काम करें। उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। अगर कोई लोगों के साथ, जनता के साथ अन्याय करेगा तो पार्टी वहीं बैठकर उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। यही तैयारी हम लोग करें। एक बड़ा एरिया मेरा विस्थापन की मार झेल रहा है और भविष्य में और बड़ा जान की तैयारी कर रहा है। लंबे समय तक धरना प्रदर्शन हुआ, अपनी ही जमीन जा रही है, मेरे जमीन पर मेरा ही वजूद नहीं, जमीन हमसे लिया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हमसे कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियां, कंपनियां आकर सीधे तौर पर तुगलकी फरमान जारी करके उठो और भागो। हम जाएंगे कहां? कहां उठेंगे, कहां भागेंगे? बरसों से पीढ़ी से रहने वाला परिवार चंद कुछ रुपया लेके कहां जाएगा? ऐसे करते करते 1.5 लाख परिवार, जिसको आज तक पूरे प्रदेश में न्याय नहीं मिला, विस्थापित परिवार 1.5 लाख। सरकार ने कहा था कि विस्थापित आयोग बनाएंगे, 28 साल बीत गया, कोई आयोग का कोई गुंजाइश नहीं है और आगे भी ये काम चलेगा। आइए, अब समय आ गया है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार की एजेंसियां हो, हमें सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और सामने खड़ा होकर हमारे न्याय का, हमारे मौलिक अधिकार के लिए हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। ये तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। जो भी होगा वो हमारे लोगों के अनुरूप हो, रोजगार आए, खनन हो, फैक्ट्री लगे, लेकिन उनकी मर्जी पर नहीं, जमींदारों की ना मर्जी पर होना चाहिए, जमीन वालों की मर्जी पर होना चाहिए। किसी के मौलिक अधिकार का हनन करके हम आगे नहीं जा सकते। ये बुलडोजर चला के लोगों की भावनाओं को नहीं कुरेद सकते हैं। सिमरिया तैयार है ना लड़ने के लिए? हाँ, मुझे अच्छा यही लगता है। सेवा दो तरह का हो सकता है, जो सीधे प्रतिनिधि बन के सेवा करना और जहां ना मिला वहां संघर्ष करके सेवा करना। अब इस बार सिमरिया का दायित्व तो यहाँ के जनता ने दिया है कि संघर्ष करके सेवा करिए, हमें स्वीकार है और हर जगह पर खड़ा होकर हम लोग संघर्ष करके स्वीकार करते हुए न्याय दिलाने का काम करेंगे। दीदी तैयार है ना? दीदी 8 तारीख आ रहा महिला दिवस, आ रहा है कि नहीं? महिला दिवस का तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन शुभकामना आप सभी को, चूंकि घूंघट और चौखट से निकालने का दायित्व तो मेरा था,
मैंने आगे किया आपको, ये सिमरिया से मैंने प्रारंभ किया था। अब दीदी जरूर मूल्यांकन करेंगे तो आगे बढ़ी होंगी, लेकिन मेरा मकसद केवल ये नहीं था, मेरा मकसद था इतने सालों में वो गरीब से गरीब महिला जो समूह में जुड़ी हुई है, जो मंडल में जुड़ी हुई है, ये कमाऊ महिला बने, आजीविका उनका चले, ऐसा हो नहीं पाया। लीडरशिप खो गया, नेतृत्व खो गया, वो केवल मीटिंग और सिटिंग तक सब चीज रह गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं ना हो रहा है। हमें पैसा तो आ गया, लेकिन चूंकि हम हमेशा कहते हैं कि मेरा माइंडसेट क्या है, मुझे पैसा मिला और पैसा मिलने के बाद मेरे जेएसएलपीएस से फंड आता है, फंड तो आ गया, लेकिन फंड आने के बाद वो फंड व्यापार करने के लिए होता है। मैंने कई जगह पर इनको खड़ा होकर अपने पुराने पदाधिकारी को मैंने कहा कि माइंडसेट बदलो, हम लोग कौन स्टेट में है, लेबर स्टेट है, लेबर स्टेट है कि नहीं बताओ, हम लोग लेबर स्टेट के हैं कि नहीं। तो हमारी मानसिकता, हम लोग पूरा खेतीहर लोग हैं, खेती बाड़ी और मजदूरी, ये दो काम पीढ़ी से करते आए। तो मेरा माइंडसेट है कि हम तुरंत से सेट बदल के व्यापारी नहीं बन सकते, बन सकते हैं क्या, ये होगा ही नहीं। वो घर दो बार पूछता है लोन लेंगे, फिर बैंक आएगा तो बोलता है कि नहीं, घर में बोलता है कि इतना बड़ा लोन लेंगे चुकाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा मानसिकता ही नहीं है। ये 50,000-1,00,000 से कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं होगा, कुटीर उद्योग भी करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि उसका बाजार आपको नहीं दिया जाता है। मैं कुछ काम भी करूं, जो भी काम आपको सिखाया जाता है उसका बाजार नहीं, पहले उनको बोलो कि बाजार लेके आओ उसके बाद काम करो, मार्केट देंगे तब तो काम करेंगे, मार्केट नहीं होता है। आप काम शुरू करो, थोड़ा मशीन उपलब्ध कराते रहे, उसके बाद मार्केट का कोई ठिकान नहीं। प्लास बोल के एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण में कर दिया, हालात क्या है प्लास का, क्या इस बार हम लोग रंग उसी का खरीदेंगे क्या, ऐसा है क्या? इस कंपटीशन को पूरा करने का कोई कंप्लीट प्लान किसी के पास नहीं है, बिना कोई प्लान का सरकारी योजना की तरह कर दिया और पैसा फेंकने का खाली काम हो रहा है। तो दीदी यही काम कर रही है कि 2% में पैसा बचाओ और पैसा उठाओ, यही ना हो रहा है। खाता में पैसा बढ़ा, आपके आजीविका में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, खाता का आकार बदला है, खाता में कुछ पैसा जरूर आ गया है, 2% बढ़ा, हम लोग देख रहे हैं कि 2% बढ़ा है, वो आपका क्या हुआ, इंडिविजुअल क्या हुआ? यहां तो 20,000-25,000 दीदियां काम करती है, नहीं हुआ ना कुछ। आइए इस काम को थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा, ये संजीवनी से लेकर यहां तक का जेएसएलपीएस गठन का उद्देश्य मेरा नहीं था कि केवल 5-5, 10 रुपया इकट्ठा करके कि हमें केवल समूह चलाना है, इसका एक बड़ा उद्देश्य था। यह आधी आबादी को मैंने आगे किया था। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है कि नहीं, तैयार है ना सिमरिया, उड़ा दो नीचे सब, इतना शानदार प्रदर्शन करो, इतने शानदार प्रहरी को लेके आओ, इतना अच्छा मुखिया जितना चाहिए, जो मुखिया के दायित्व को निभा सके, पंचायत के दायित्व को निभा सके, सही लोगों का चयन करिए, सही लोगों को मतदान करने का काम करिए, होगा कि नहीं, एकदम करिए। क्योंकि बीच के काल में और दीदी लोग बनी है, आधा रिजर्वेशन दिया महिलाओं को, अपने से चलाओ, टैक्स से नहीं, पीछे से चलता है, कभी कभी परिवार का भार, मैंने यही कहा था हमेशा कि परिवार का भार ज्यादा मत होने दीजिए, आपको भगवान आपसे बड़ा विवेक किसके पास है दीदी, एक घर चलाना मामूली बात है क्या? और हमेशा मैंने कहा कि संचय की आप ही हैं सबसे बड़े जो बचत करती हैं, बचत का केंद्र है आप। हम हमेशा कहे हैं कि 100 रुपया आपको देने पर आप कुछ बचा के वापस करेंगे, लेकिन 100 रुपया पुरुष को देंगे तो और 10 रुपया उधारी करके आएगा, दोनों में एकदम हम लोग का एकदम फितरत है कि नहीं बता। 100 रुपया बाजार कर ले हम जाएंगे तो 120 रुपया मेरा बिल हो जाएगा, 20 रुपया फलना दुकान में मेरा उधारी है, लेकिन आप वही 100 रुपया का काम 80 रुपया में 20 रुपया अपना घंट में बांध के लेके आएंगे, 20 रुपया बचा है मेरा, चूंकि ये मेरे बच्चों का होगा, आगे कुछ और काम में लगेगा, करती है कि नहीं दीदी, बोलिए, ताली बजाओ यार, तो हम लोग का काम है ताली बजाना इनके लिए। चलो आओ, ये शासन कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, कुछ लोग अपने अपने डिजाइन से राज्य को चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग मिलके लोगों की भावनाओं को जीतकर ये प्रदेश को आगे बढ़ाना है। 3 साल आने वाला 3 साल लगातार काम, लगातार संघर्ष, और ये 9-6 मत करिएगा, ये कितना 9,000 ना 6,000,
कितना हुआ, कितना का अंतर हुआ, कितना का अंतर से हम लोग ही हो गए? नहीं नहीं 9000, तो 9000 में आज हमारे 500 या कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज, साधारण 700 प्लस लोग, तो आज 2800 तो भार कम हो जाना चाहिए। 700 × 4 2800 का भार घटेगा ना आज, हाँ आज घटेगा। और ऐसा 4 बार आएंगे तो पुआर पार हो जाएगा कि नहीं? अब ये तैयारी है कि हर ब्लॉक में भार को घटाएंगे, अंतर को घटाएंगे, और ये 30 साल में अंतर इतना बड़ा कर देंगे कितना बड़ा अंतर होगा। हर किसी को दिल को जीतने का काम करेंगे, यही तैयारी होगा। अंतर तो यही होगा कि हर दिल को जीतने का काम करेंगे और दिल जीत के आगे चलेंगे। आइए 7 तारीख रांची चलना है, चलना है कि नहीं? पहुंचो रांची, 7 तारीख रांची पहुंचेंगे। अब मुख्य विपक्ष हम ही लोग हैं, चल रहा है ना पता, चल रहा है ना, कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि जिस मुद्दों पर लड़ना है वहां कोई दूसरा विपक्ष नहीं होता है, केवल आजसू पार्टी विपक्ष हो सकता है दूसरा, तो दूसरा का जिम्मेदारी भी हम ही लोग के माथे में है कि नहीं? पूरे हम लोग स्वीकार करते हैं पूरे राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए, तैयार रहिए। ये आजसू पर भार है कि गवर्नमेंट के खिलाफ राज्य की भावनाओं का नेतृत्व करते हुए, राज्य के विकास का नेतृत्व करते हुए, राज्य के युवा महिला सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए 7 तारीख को गवर्नमेंट के बीच में जाने का, गवर्नमेंट के सामने पहुंचने का कोशिश करेंगे। ये घेरना भावनाओं को विधानसभा तक पहुंचाने का काम है। ये घेरने को लोग बोलते हैं नहीं पहुंचने देंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी आपके सीट पे जाके बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हम पहुंचना चाहते हैं कि इतना लोग गांव की, आप नहीं उतर रहे, आप गांव नहीं जा रहे हैं, तो गांव की भावना के साथ रांची पहुंचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कहने जा रहे हैं, हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं, कुछ सुनाने जा रहे हैं। शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन गांव की वेदनाओं को सदन के सामने और सदन के बाहर में रखने की तैयारी, इसीलिए सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी अपने विपक्ष का दायित्व तो हम लोग निभाएंगे। विपक्ष है तो जनता का ताकत है, ताकत है कि नहीं? किसके पास जाएंगे ये लोग अगर वीडियो ना बोलते तो? किसके पास? रामचंद्र इन्हीं के पास था, हाँ मनोज चंद्र यही ना, मनोज चंद्र के पास आना है। कोई भी अधिकारी ना बोले, कोई नेता ना बोले, तो एक विश्वास मनोज चंद्र होना चाहिए कि कोई भी बात के लिए मनोज चंद्र आपके साथ खड़ा। चलो इस विश्वास को आगे बढ़ाओ, काम करते हैं। शायद हम लोग थोड़ा काम कम किए थे, अपने स्वीकार करते हैं, और आना चाहिए मुझे, और मेहनत करना चाहिए, चूल्हा प्रमुख को और लगना चाहिए। चलो पिलर मेंबर अब आएंगे, चूल्हा प्रमुख रहेंगे, और 5 साल लगातार जो हमारा दायित्व है उसको आगे बढ़ाएंगे। छात्र सम्मेलन है ना, अभी उधर भी जाना है। आइए पुनः हमारे रामचंद्र राम जी के प्रति उनके पुण्यतिथि पर आभार व्यक्त करते हुए फिर से कदमताल हमारा प्रारंभ हो गया है, फिर से लोगों के बीच संजीदा होकर हर हालत पे आपका बेटा आपके बीच रहेगा, यही विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।